गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मंगलवार की सुबह है और बारिश का अभी सामने भी आपको बादल दिख रहा होगा। बारिश का इस तरह से मौसम हो गया है, लगता है अभी ही सावन भादव आ गया है। सुबह तक बारिश हुई है, अभी थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है। चिड़िया के चहचहाने की भी आपने आवाज़ सुनी होगी। और अब तो मैं 2-3 दिन से सुबह बिल्कुल उठने की कोशिश करती हूँ और मैं उठती भी हूँ, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा ही मैंने गेन कर लिया है वेट, इसको लॉस भी करना है। और यहाँ पर ब्रश व्रश करके मैं रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए, ये सुबह सुबह ये सारे सामान को लाए हैं और ये चले गए हैं छत पर। इन्होंने कहा मैं 1 घंटे बाद चाय बनाऊंगा। देखिए ये कितना प्यारा तुलसी का पौधा लाए हैं। और देखिए सुबह सुबह कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये पौधा अभी भी इस तरह से हिल रहा है। और ये तुलसी का पौधा हर घर में होना ज़रूरी है। मैं कई बार लगाती हूँ, मैं दिल्ली में भी लगाया करती थी, लेकिन जब मैं दिल्ली से आने वाली थी तब बड़ा ऐसा गमला में मैंने लगाया था तो वो लग गया था, तब तो मैं आ ही गई। और ये अभी पौधा लाए और सुबह सुबह ये करेली परवल ये सब वो लाए हैं। और अभी मैंने थोड़ा सा परवल और एक करेली निकाल लिया है जो कि मुझे अभी बनाना है। और ये भिंडी है, तुरई है, तो इस तरह से। और अभी देखिए पौधा किस तरह से हिल रहा है, यानी कि हवा बहुत तेज चल रही है सुबह सुबह। ये देखिए कितनी तेज़ हवा और कितनी अच्छी चल रही है, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी अमरूद का ही पेड़ है, ये आम का है, ये पता नहीं खजूर है कि नारियल है। सामने में भी बिल्डिंग बन रहा है, तो चलिए अब लगते हैं काम में। हवा बहुत अच्छी चल रही है। और ये देखिए, ये कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा अड़हुल का फूल, ये देखिए उन्हीं भाभी के यहाँ है जहाँ मैं गई थी बरसात पूजने। ये देखिए कितना अच्छा अड़हुल का फूल है, ये अभी अच्छे से खिला नहीं है। अभी यहाँ पर चाय वाय पीना हम लोगों का हो गया है। बाबू अभी सोकर उठा नहीं है, तो मैंने अभी ये सब्ज़ी धोई नहीं है, इसी तरह निकाल के रख दिया। अब मैंने लाइट को जला लिया है और अभी समय है इनको भी ऑफिस जाने में। थोड़ा सवेरे मैं उठी हूँ तो मैंने ये दूध गर्म होने के लिए डाल दिया है। और ये मैं जो उसको छाली का घी निकालते हैं वो मैं निकाल रही हूँ। आप लोगों से एक चीज़ पूछूंगी, जब मैं ये पूरा घी बन जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी। अगर आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन होगा तो बताइएगा। और क्योंकि सुबह अभी 1 किलो वो दूध लेते आए थे तो वो मैं गर्म कर रही हूँ। कुछ रात का दूध है उसको भी गर्म करना है। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया इसको घी गर्म होने के लिए। बस यही पूछना था कि ये जो किनारे में इतना निकलता है, ये इतना क्यों निकलता है, जबकि जब मैं छाली निकालती हूँ तो बिल्कुल उसमें दूध नहीं रहता है, सिर्फ छाली निकालती हूँ, वो ये इतना क्यों निकल जाता है, जिसको हम लोग दाढ़ी कहते हैं। जिसको मैंने प्लेट में निकाल लिया और अब देखती हूँ कितना घी निकलता है। तो आप लोगों के पास किसी के पास भी सॉल्यूशन होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चूंकि पहले तो मेरे से होता भी नहीं था, लेकिन निकालते निकालते मैं बहुत अच्छा से निकालने लगी हूँ। और ये इतना सा निकला, देखिए एक टाइम का, मतलब कि 6-7 दिन का था ये दूध। और ये पुराना बोतल में निकाला था, तो ये ख़त्म होने के बाद इस बोतल को साफ़ करूँगी। तो चूंकि मैं कॉ मिल्क लेती हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग देखते भी हैं, तो उसमें ज़्यादा जो है नहीं मलाई निकलता है। और तब तक बाबू यहाँ सोकर उठ गया था, उसने आम वाम खाए और फिर उसको मैंने बॉर्न मिटा दिया। 3 बार मैं उसको बॉर्न मिटा देती हूँ। और ये लगभग खाना पीना खा के वो चले गए हैं। दिन शाम दोपहर तो कुछ पता ही नहीं चलता है, दिन भर बारिश और बारिश का मौसम। और देख ही रहे हैं मेरे दुपट्टे से पता चल रहा होगा कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो ये इनके जाने के बाद का ये है, 1:30 बजता होगा। तो ये तुलसी का पौधा मुझे लगाना था, तो मैंने बताया था ये दही का जो डब्बा है इसमें ये मिट्टी सुबह सुबह लाए थे, इसमें लगाऊंगे। हर घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। मैं नीचे जब मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ जल ढारने के लिए, ये हो जाएगा तो अच्छा होगा। यहाँ पर मैं इसको देखती हूँ, ये लगता है या नहीं लगता है। तो ये जो इसमें पन्नी लगा रहता है, कोई भी पौधा लगाने के पहले इसमें जो पन्नी लगा रहता है उसको हटा दिया जाता है। और हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, मौसम इस तरह का अच्छा होता है, लेकिन कोई भी मौसम अगर लगातार एक ही जैसा करने लगे तब तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, हर तरह से परेशानी होने लगती है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ, मेरा बेटा बैठा है, जब तक ये सोएगा नहीं तब तक मेरे आगे पीछे घूमते रहेगा। मैं हल्का हल्का इसमें मिट्टी डालकर रख दूँगी, देखती हूँ ये लगता है या नहीं। मुझे तो लगता है, मेरी माँ बोली मुंबई से कि मौसम इतना अच्छा किया है लग जाएगा, लेकिन चूँकि डब्बा छोटा है इसका जड़ फैलने के लिए भी जगह चाहिए होता है,
तो इसके बाद कुछ कपड़े हैं उसको मुझे फोल्ड करना है और इस तरह बाबू को सुलाना है, झाड़ू वगैरह देना है, घर वर भी साफ़ करना होता है। किचन पूरी तरह से साफ़ है क्योंकि ये खाना खा के जाते हैं, मैं तुरंत लगे हाथ सारा काम कर लेती हूँ। और इतनी तेज़ हवा थी, मैंने और भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा था लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो जाती थी बार बार, मतलब कि कभी लाइट कट जाएगा, अगर लाइट कटेगा आप गेट खोल के बालकनी के पास आइएगा तो अंदर इतनी तेज़ पानी आना शुरू हो जाएगा, खिड़की खोलिएगा तो उसके अंदर से पानी आना शुरू हो जाएगा, मतलब परेशानी ही परेशानी है, कभी लाइट कभी कुछ। तो इधर मैंने इसको रख दिया है और अब देखना है 2-3 दिन में इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि ये लगता है या फिर मर जाता है। कई बार तो ट्राई किया है लेकिन नहीं लगता है। तो आप लोग जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा और बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पर ये सब रख दिया मैंने उधर बाल्टी मिट्टी करके, इन्होंने कहा था एक पौधा और लाऊंगा। अब यहाँ मैं आ गई हूँ किचन और ये समय शाम का हो रहा है 6:30। और यहाँ पर देखेंगे दूध जो था, मतलब जो दूध वाला आके देता है उसको मैंने दूसरे बर्तन में गर्म किया था, तो मैं बाबू को बॉर्नविटा दे दूँ नाश्ता में करा के, उसके आधे घंटे बाद बॉर्नविटा देती हूँ। 3 बार मैं देती हूँ और एक प्लेट में आप देख रहे हैं ये पंचफोरन निकाली हूँ मैं बनाने के लिए। मैं घर में ही पंचफोरन बनाती हूँ, आप लोगों से कई बार शेयर किया है। और आज इन्होंने कहा पनीर बनाने के लिए, तो पनीर तो ये कल ही ले आए थे, ये अभी ऑफिस से नहीं आए हैं। तो जब मैं पनीर बनाने गई तो मैंने देखा मसाला तो है नहीं, तो दूसरे प्लेट में मैंने धनिया और लाल मिर्च और गरम मसाला जीरा ये सब निकाला है। ये भी आप लोग जानते हैं मैं मसाला भी घर में बनाती हूँ, मैं मैक्सिमम चीज़ घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर बॉर्नविटा ठंडा करने में समय लगेगा और मैंने शाम में 5 बजे ही खीर चढ़ा दिया था, धीरे धीरे करके मैं बना, क्योंकि ठंडा खीर ही अच्छा लगता है, मैंने फ्रिज में रखना सही नहीं समझा, तो इसको मैंने बहुत ही अच्छा खीर बना है। तो इसको मैं रख दूंगी एक छोटे से बर्तन में खाली करके, क्योंकि रात में ही मैं सारा बर्तन 2-3 दिन से धो रही हूं, जिस तरह की आप लोग को दिखाती हूं धोकर उल्टा कर रख देती हूं। सुबह अगर बर्तन रह जाता है तब बहुत टेंशन होता है। और यहां पर मैं जो वो मसाला जो भी था धनिया वगैरह सबको मैं गर्म करूँगी और पनीर काट लूँगी, प्याज लहसुन अदरक वगैरह सब काट के इसको मिक्सी में मैं बना लूँगी। मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और इसको गर्म करके मुझे मसाला बना लेना है। और इसके साथ ही शाम हो जाती है, मतलब शाम और सुबह का कुछ पता ही नहीं चलता है। जिस काम को आप जिस दिन छोड़ेंगे वो काम उसी दिन अधूरा रह जाता है। और सबसे बुरा क्या लगता है कि कहीं भी घूमना आना जाना सब कुछ बंद है, ये थोड़ा सा गजब लगता है अब, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। और यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया है मसाले को, इसमें डालकर मैं इसको पीस लूँगी और बिल्कुल पतला आपको बनाना होता है अगर बार बार आप करते हैं, और नहीं होता है तो आपको उसको चालनी की सहायता से पतला, जो उसको आप कहते हैं ना बिल्कुल जो खुरदुरा रहता है उसको दोबारा तिबारा आपको पीसना होता है, क्योंकि खुरदुरा मसाला नहीं खाना चाहिए, लंग्स वगैरह में कहीं जाके अगर बैठ जाए तो परेशानी ही क्रिएट करता है। और लेकिन घर का सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। तो यहाँ पर मैं प्याज लहसुन अदरक वगैरह सबको का पेस्ट बना लूँगी और इसको पेस्ट बनाने के बाद फिर मैं टोमेटो का पेस्ट बना लूँगी और धीरे धीरे उधर करके मैं सब्जी बना लूँगी। खीर तो मेरा बन ही गया है, प्याज लहसुन वगैरह का छौंक लगा के फिर मैं आटा मिला के रख लूँगी। बर्तन अभी एक भी नहीं है मुझे धुलने के लिए, मैं बहुत ही आराम से काम करती हूँ, सारा समेट कर करती हूँ, किचन से ही समय निकाल कर मैं बेडरूम जाकर बेडशीट ठीक कर लेती हूँ, मतलब एक चीज़ में मैं लगी रहती हूँ, थोड़ा सीरियल भी देख लेती हूँ और लगे हाथ मैं मिक्सी पोंछ कर ही रख दूँगी, क्योंकि अगर इस तरह का पेस्ट वगैरह बनाने से गिर जाता है और अगर उसको छोड़ दीजिएगा तो वो सूख जाता है और ज़्यादा परेशानी हो जाता है, इसीलिए मैं लगे हाथ इसको पोंछ कर रख दूँगी। और यहाँ पर अब मैं ये जो पंचफोरना तैयार किया है इसको एक डब्बे में रख दूँगी, सारा काम करते जाती हूँ निपटाते जाती हूँ। ये जो 2-3 प्लेट हुआ इस दोनों प्लेट को भी मैं धोकर लगा दूँगी, क्योंकि करना मुझे ही है ये तय है, तो फिर मैं किसी के लिए क्यों रखूं। और यहाँ पर मेरा प्याज लहसुन वाला पेस्ट हो गया था, तो यहाँ पर अब मैंने टोमेटो प्यूरी डाल दिया है, नमक हल्दी डाल दूँगी और जब तक मैं रहूँगी तब तक इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे चलाऊँगी, और जैसे ही मैं दूसरे काम के लिए जाऊँगी बाहर तो मैं इसको कम कर दूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी विस्फोट हो जाएगा तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। और अभी मैं गई हूँ गेट खोलने, क्योंकि ये आ गए हैं ऑफिस से,
और ये देखिए पहले से ही इतना आम था, मैंने इस आम को भी इसी तरह लगा कर रखा था। इन्होंने कहा अगर पेपर पर डाल देती हो तो जल्दी पक जाता है। ये आम को मैंने रखा ही था और लगभग पकने पकने को हो ही जाएंगे एक साथ। तो ये दोबारा फिर आम ये लेते आए हैं कार्टून में, कोई गिफ्ट ही दिया है। और बेटा को जब मैं सुलाती हूँ, टी शर्ट वगैरह उतार के बिल्कुल हल्का फुल्का पहनाती हूँ, तो उसमें भी बनियान में भी आम खा खा करके लगा दिया है। तो अभी मैं रस डाल दी हूँ, मैंने सब्जी में रस डाल दिया है, आटा भी मिला लिया है और खीर तो बन ही गया है। अब धीरे धीरे वो रस पकते रहेगा, तब तक मैं सारा आम लगा दूँगी, क्योंकि कोई सामान आता है तो यही सब एक ट्रिक होता है। अगर मैं इसको छोड़ देती तो इनके मन में फिर हो जाता है कि केयर नहीं करती है, मैं इस तरह परेशान होकर लाता हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी इसको लगा दिया ताकि ये भी खुश हो जाए और एक काम भी हो जाए। और ये देखिए ये आके बालकनी का पानी पोंछ रहे हैं, मतलब इतनी बारिश हुई है कि मैं दिन में सूट पहनी थी, अभी मैं खाना बनाने के बाद सोने के समय नहाती हूँ, लेकिन पानी वगैरह साफ़ करते करते बालकनी पोंछते पोंछते मेरे ऊपर पानी गिर गया। छज्जे से फिर मैंने कपड़ा चेंज किया, ये आए तो ये बालकनी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बालकनी हमेशा साफ़ रखती हूँ। यहाँ पर इस रूम में बैठते हैं थोड़ा अच्छा लगता है और जहाँ रहिए थोड़ा साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और यहाँ पर खाना तैयार हो गया है, खीर पनीर की सब्ज़ी पूड़ी आम। तो चलिए आप लोग भी खाने आइए और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं इस ब्लॉग का। और उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी इनको चार पूरी तल के दे दिया है, बाकी गरम गरम तलते जाऊंगी देते जाऊंगी। तो इस चैनल पर जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।